मॉड्यूल 47 सेवन ज्वाइंट प्रोडक्ट रिलेशनशिप जब हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात करते हैं तो वहां पे बहुत सी कमोडिटीज हैं जो कि साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो रही हैं कि सपोज हम बात करें वीट ग्रेन की और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है जी तूड़ी प्रोड्यूस हो रही है वीट स्ट्राप प्रोड्यूस हो रहा है हाँ जी किस लिए यूज होता है फॉर फीडिंग एनिमल्स हाँ जी जब आप इसी पैटर्न पर जब राइस ग्रेन प्रोड्यूस होगा साथ में क्या होगी हाँ जी हस्क प्रोड्यूस हो रहा है जी अगर मैं कॉटन की बात करूं तो कॉटन में क्या हो रहा है कि जी एक साइड पे तो रुई रुई पैदा हो रही है और साथ में क्या है कि जी आपके पास बनोला पैदा हो रहा है कि कॉटन लिंट अलोंग विद कॉटन सीड मील जब आप बीफ की बात करोगे साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है जी हाइड्स प्रोड्यूस हो रही है वहां पे खाले पैदा हो रही हैं जब आप लैम्प की बात करोगे तो साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है कि वोल इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग लैम्प अब जब मैं इन प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन को देखता हूं तो इन प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट क्या है दैट इज मेन प्रोडक्ट एंड अदर प्रोडक्ट इज बाई प्रोडक्ट जब वीट के, के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं इज मेन प्रोडक्ट वाइल वीट स्ट्रा इज अ प्रोडक्ट बट दीज टू कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड इन मोरलेस फिक्स प्रोपोर्शन हाँ जी अगर मैं बीफ एंड हाइट्स की भी बात करूं क्या है अगेन कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड इन इन वन बाय वन कम्बिनेशन फॉर सर्टन क्वान्टिटी ऑफ बीफ देयर इज वन हाइट अब इस चीज को अंडरस्टेंड करने के लिए हमारी एजम्पन क्या है कि अगर हम बात करें कि दिस इज बेसिकली ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ बीफ अलॉन्ग विध हाइटर्व मुझे क्या इंडिकेट कर रही है दी सप्लाई करेट क्वान्टिटी ऑफ हाइट्स अगेंस्ट डिफरेंट प्राइसिस ऑफ हाइट एस टू इंडिकेट कर रही है मेरे पास ओरिजिनल सप्लाई करव ओरिजिनल सप्लाई करव और यहां पे अगर मैं अज्यूम करूं देयर इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बीफ बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बीफ देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ हाइड्स टू क्या जी वहां पे जो खाले हैं वो उनकी भी प्राइस उनकी भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी और इस डिक्रीज को हम कैसे शो कर रहे हैं बाई मूविंग आवर सप्लाई कर्व ऑफ हाइड्स फ्रॉम एस टू टू एस वन फिर इसी पैटर्न पर अगर हम बात कर लें कि अबाउट क्वांटी सप्लाई ऑफ कॉटन सीड मील एंड प्राइस अब मेरी यहां पे पर क्या है कि अगर हम बात करें प्राइस ऑफ कॉटन लिंट इंक्रीजेस के जी मार्केट में रुई की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो साथ में क्या हो जाएगा देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ कॉटन सीड केक हां कॉटन सीड केक किसके लिए यूज हो रहा है ये जानवरों के लिए यूज होता है उनके चार उनको उनके लिए एज अ सप्लीमेंट आपके पास बोनोला है जो कि जानवर यूज करेंगे एज अ फूड सप्लीमेंट व्हेन प्राइस ऑफ कॉटन लिंक इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉटन लिंक देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ कॉटन सीड केक अब अगर मैं इस सारे को समराइज कर दूं कि इन एग्रीकल्चरल With reference to agricultural commodities, when commodities are produced in a joint product relationship, okay, two commodities are produced simultaneously. One product is the main product and other product is byproduct. When price of main product changes, it has some influence on the supply of byproduct.